हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमएस चौहान के जीयूसी के लेवल 2 का क्वेश्चन 5 जो कि एक कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आंसर ए एंड बी। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड, यानी बेसिकली ये पूछना चाह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ही कौन सा है। तो मैंने बताया एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको कि जिसका कॉन्जुगेट जितना स्टेबल होगा वो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर आप इस ऑप्शन फोर्थ को ध्यान से देखिए, अगर आप इस नाइट्रोजन के पास से अगर H को हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, N माइनस बन जाएगा इस तरीके से। और ये जो N माइनस का ये जो कॉन्जुगेट बेस बना हुआ है, देखिए ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसका जो इस वाले एटम का जो कॉन्जुगेट है वो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बी पार्ट ने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुविस बेस। तो देखिए मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ का भी कंसीडर होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या देखना होता है आपको, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी प्रेजेंट है। जैसे इस केस में देखिए इस नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो डीलोकलाइज थे, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कम। यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन है इसके भी लोन पेयर के हैं डीलोकलाइज, तो इसकी भी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कम। यहाँ पे भी जो लोन पेयर है ये भी रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज है, तो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कम। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर है ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कहीं डीलोकलाइज नहीं है। लुविस बेस होता क्या है, ऐसा जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, डोनर हो, जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा वहीं पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा तब तो वो डोनेट कर पाएगा। अगर मान लीजिए लोन पेयर टहल घूम रहा है तो क्या कभी वो डोनेट कर पाएगा, नहीं। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है लोन पेयर का एक पोजिशन पर, ताकि वो अच्छा बेस हो पाए। तो किस में कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑप्शन वन में, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे आपके एमएस चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो उसका आप कमेंट मेंशन करें, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।